मेरा लड़का ना 14 साल का खत्म हो गया, तो मैं ना लड्डू गोपाल को बेटा मानती हूँ, तो वो सही है ना। क्या हो गया था आपके बेटे को? ऐसे ही बुखार चढ़ी थी, तबीयत खराब हो गई थी। कितने बेटे हैं आपके? 2 लड़के। एक बेटा है? है, एक बेटा है छोटा वाला। ऐसे 14 साल का, कभी तबीयत भी खराब नहीं थी, फिर भी वो छोटा वाला कितने साल का है? वही खत्म हो गया 14 साल का। आपके अभी कितने बेटे अभी हैं वर्तमान? दो है, एक रह गया अब। अब एक है, तो वो छोटा है कि बड़ा है? बड़ा है। बड़ा कितने साल का? वो 21 साल का है। सुनो, आपके भाग्य में एक ही बेटा था, पर किसी कारण ईश्वर ने दो दे दिए। तो आप ऐसे बोलते हो ना, भाग्य भाई, बड़े लोग लड़ाई कर लेते हैं, तो इसका भाग्य खराब हो गया। वो तो बच्चा ही था, उसका क्या भाग्य खराब होता? अब देखो, गंगा मैया के जो बेटा हुआ ना, वो पैदा होती गंगा जी में बहा दिया। गंगा जी ने 7 बच्चों को पैदा होती बहा दिया। द्रौपदी के 5 बच्चे थे, छोटे छोटे थे, 5वां का अश्वत्थामा ने वध कर दिया। माता भगवान श्री कृष्ण की माता देवकी, उन्होंने तो बच्चे को पैदा ही किया था कि कंस ने मार दिया। 6 बच्चों को कंस ने मार दिया। तो हर व्यक्ति अपनी आयु लेकर के आता है। वो तो बच्चा ही था हमारा। हाँ हाँ, बच्चा ही था। हमने जितनी बातें बताई बच्चों की बताई कि इस संसार में हर व्यक्ति अपनी अपनी उम्र लेकर आता है। कोई 5 साल, कोई 10 साल, कोई 20 साल, कोई 50 साल, जिसकी जितनी आयु उतनी लिया और चला गया। आपको ईश्वर ने एक दिया है ना, जो है उसमें खुश रहो, जो नहीं है वो ईश्वर ने दिया, ईश्वर ने वापस ले लिया। नहीं, उसमें आपका बोलते हैं कि 3 साल में वो पितर बन के आ जाएगा, ऐसे होता है क्या? नहीं, पितर वाला तो सिस्टम अलग है। पितर वाला तो जो है वो तो पितर के लिए अपन लोग जो करते हैं वो तो करना ही चाहिए। आप पहले ये बताओ कि रो क्यों रही हैं? आप ये बताओ, बहुत याद आती है। याद आती है, वो चला गया ना। आपके पास एक बेटा है ना, उसे पढ़ाओ लिखाओ, संस्कारी बनाओ। नहीं, वो तो बहुत बढ़िया है, दुनिया से सबसे अच्छा है। फिर उसमें खुश रहो। आप उसमें खुश क्यों नहीं? मैं कुछ की नहीं कह रही, उसकी याद बहुत आती है। आती है धीरे धीरे, उस याद को, याद आने से क्या होगा? आप सुखी हो जाएंगे। ऐसा तो कुछ ही नहीं। फिर दुखी होने से भी क्या लाभ है? तबीयत भी खराब रहने लग गई मेरी बहुत ज्यादा। तो अब आप जरूरत से ज्यादा रोएंगी तो तबीयत तो खराब होगी। आप समझते क्यों नहीं है? सबके लिए कह रहा हूँ कि ये मृत्यु लोक है। हम लोगों को ऐसा लगता है कि ये मरे ना, लेकिन क्या करें, यही सत्य है कि मुझे भी एक दिन मरना है और आप सबको भी एक दिन मरना है। छोटा बड़ा ईश्वर के यहाँ तो देखो सब अपनी आयु लेकर आते हैं, और मुझे लगता है कि जो है उसमें प्रसन्न रहना चाहिए। वो तो है, मगर जो उसकी जो वो मेरे छोटा था ना, इसलिए पास में ज्यादा वही रहता था। वो तो माँ तो हर बच्चे से प्यार करती है। वो तो है, मैं बड़ा से भी करती हूँ, ऐसी बात नहीं है। मगर फिर इसलिए अब जो ईश्वर का विधान है, उनके विधान में अपनी मर्जी मिलाओ। वो पितर इतर तो नहीं आएगा ना ऐसे? देखो, जिनकी मृत्यु हो गई उनके लिए, उनके पुण्य के लिए आप कुछ कार्य कर सकते हैं, वो आप कर लो। अच्छा, कोई आप जब आपका बेटा बड़ा वाला जब वो करेगा कार्य, पिंडदान करेगा बड़ा होकर, जब वो अपने आपके जब बड़ा हो जाएगा, वो जब आप आपके पति हैं, हाँ, सब कुछ है, हाँ, तो फिर जब वो बड़ा हो जाएगा, अभी आपके पति अपने पितरों का पिंडदान करते होंगे, हाँ, तो अपने आप पति से बोलना कि वो अपने पितरों का करते रहें, जो आप करते आए हैं वो करते रहो, उसी में वो सम्मिलित हो जाएगा। अच्छा, राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी, मैं ये पूछना चाहती थी, जैसे मैं तुलसी जी पहने हूँ तो बहुत लोग स्कूल में पूछने लगते हैं कि क्यों पहने हो, इससे क्या लाभ है? तो उनसे बोलना कि जिसके गले में तुलसी होती है, वो जब नहाता है तो स्नान का जल जब तुलसी से होकर शरीर में प्रवेश करता है तो वो गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। इसलिए तुलसी जरूरी है। जब आप गले में तुलसी पहनते हैं और पानी पीते हैं तो वो पानी गंगा जल की तरह पवित्र होकर हृदय में प्रवेश करता है भीतर। और गुरुजी, मेरी एक फ्रेंड है, तुलसी पॉजिटिविटी से भरी है, तुलसी पहनने से सकारात्मकता आती है, इसलिए तुलसी जरूरी है। तुलसी पट्टा है, जैसे पालतू कुत्ते के गले में पट्टा होता है, ऐसे भक्तों के गले में तुलसी का पट्टा है, मतलब ये भक्त सब भगवान के पालतू हैं, तो ये पहचान है। गुरुजी, एक मेरी फ्रेंड है, वो भी तुलसी की माला मंगवाई मुझसे, तो वो पूछ रही थी क्या नियम है पहनने के। नियम यही है कि तुलसी पहनने के बाद मांस ना खाया जाए, शराब ना पी जाए, बस। गुरुजी, उसने नॉनवेज छोड़ दिया पर वो प्याज अभी भी खाती है। प्याज तो अलग विषय है, अभी तो धीरे धीरे वो चली छोड़ जाएगी, पर अभी तो लहसुन प्याज तो अलग विषय है, पर शराब और मांस से दूरी बनाओ बस। गुरुजी, मेरे स्कूल में बोला था माला उतारने के लिए, तो मैंने मना कर दिया था। हाँ बिल्कुल, क्यों, स्कूल वालों का कोई काम नहीं है माला उतरवाने बैठे हैं? ये नहीं पढ़ाए लिखाए दुष्ट लोग माला उतरवा रहे हैं, है ना? माला क्यों उतरवा रहे हैं? तुम्हारे बाप का पैसा लगा के खरीदे हैं क्या? है ना? इनसे बोलो सारे तो माला देने बैठे, पढ़ाने बैठे।